गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं बना रही हूँ चाय। चलो चाय बनाते हैं और उसके बाद नाश्ता बनाऊंगी, नाश्ता करूंगी और बैक टू अपनी रूटीन लाइफ में आना है। एक्चुअली मैं आज संडे है, आज छोड़ देती हूँ, मंडे से अपनी रूटीन लाइफ में आती हूँ। आज थोड़ा रिलैक्स करती हूँ पर जो जो करूँगी थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करती रहूँगी। तो अभी चाय बन रही है, ये बनाना कल रात में लेके आए थे। चाय हाँ, दूध अगस्त्य को चाय पीनी है, चाय पीनी है अगस्त्य, आप चाय पीनी है ठीक है। हेलो एवरीवन, फिर से मैं राधे राधे बोलना चाहूँगी। कैसे हैं आप सभी लोग? और ये मॉर्निंग का टाइम है जहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ और संडे का दिन है। और जब मैं सुबह मॉर्निंग में चाय, अभी एक्चुअली क्या है ना, मेरा वेट लॉस हो चुका है तो अभी मेरा जो रूटीन है वो बिल्कुल चेंज है। जब मैं वेट लॉस जर्नी भी थी तो दूसरा था और अभी नॉर्मल वाला है। जैसे कि अभी मॉर्निंग में मैं 9:30 बजे चाय पी लेते हूँ, वो भी खाली पेट नहीं पीती हूँ, उसके साथ कुछ ना कुछ मखाने या लाई लिया मैंने इस टाइम पे। देखिए, इससे पहले मेरा जो रिचुअल है मॉर्निंग में उठ के विनेगर पीना, एप्पल साइडर विनेगर, और उसके बाद थोड़ा सा योगा वगैरह या एक्सरसाइज वगैरह करना। एंड जैसे कि इंटरमीडिएट फास्टिंग पहले मैं 16 आवर की करती थी बट अभी मैं सिर्फ 12 to 14 आवर की करती हूँ। कभी 14 आवर्स का भी हो जाता है, कभी 12 आवर्स। सो अभी मेरी एक फ्रेंड है जो अभी वेट लॉस कर रही है, वो हालांकि उसने मेरे साथ ही शुरू किया था बट बीच में छोड़ दिया था किसी वजह से। बताओ क्या लिखा मैं? इतना नहीं है मैं फिर कॉल कर पाता था। अच्छा, क्या गूगल पे नंबर तो दे दिया आपने अपना? पढ़ के बताओ सुजी। चाय पी ली अंदाजा लगा लूंगी, अगर 30 ग्राम ज्यादा हुआ तो गाढ़ी चाय और मैं अपना वेट करना भूल गया। कितना बड़ा मेरा वेट 5-6 दिन में, पर मैंने चाय और नमकीन खा ली तो अगर 20 से 30 ग्राम ज्यादा हुआ तो मैं समझ जाऊंगी, मतलब उसके पीछे का गिनूंगी मैं। लो यार शॉपिंग कर ले। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं नाश्ता, नाश्ते में बना रहे हैं पोहा, ठीक है। और अभी बज रहा है 10 और 9 बजे चाय पीते 1 घंटा हो गया। तो ये मैंने चिया सीड्स मंगाया था और जाने से पहले, पर मैं खोल नहीं पाई थी तो अभी मैं इसको खोलूंगी। ये जीवा का चिया सीड, जो आप पूछते रहते हो ना किस ब्रांड का लिया, जीवा का ले लेती हूँ या ट्रू एलिमेंट्स का भी अच्छा था वो ले लेती हूँ। और अगस्त के लिए पैनकेक। सो मैं कह रही थी मेरी फ्रेंड है वो अभी चालू करी है, एक्चुअली उसने मेरे साथ ही किया था अक्टूबर में, जैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 1 अक्टूबर से, तो उसने मेरे साथ ही किया था। और उसने मालूम है मेरे साथ साथ 10 किलो कम भी कर लिया था बिकॉज उसका 92 kg था, अभी 81 है। अभी उसने स्टार्ट किया तो 81 से स्टार्ट किया है एंड मैं उसका फॉलोअप ले रही हूँ बिकॉज ऑब्वियस है जो हम दोनों ने स्टार्ट किया था तो उसने बहुत मोटिवेट किया था मुझे। एक्चुअली कह सकती हूँ 70% मोटिवेशन उसी से मिला था। एक्चुअली ये बहुत अच्छा तरीका है। अभी इधर मैं पोहा बना रही हूँ, एक्चुअली मैं नाश्ते में मैं बता दूँ आपका, अगर वेट और लॉस करना हो ना तो किसी को पकड़ लो, एक फ्रेंड को, कोई हो, कोई ऐसा हो जो आपको मोटिवेट कर सके व्हाट्सअप पे, तो ही पॉसिबल होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, वरना फिर बीच में बहुत ज़्यादा ब्रोक डाउन हो जाते हैं हम लोग, टूट जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और उस फ्रस्ट्रेशन से निकालने के लिए फ्रेंड ही काम आती है ना, या हस्बैंड हो। हस्बैंड ने तो मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है इस दौरान। मैं ज़रूर स्टोरी शेयर करूँगी आपके साथ कैसे क्या
तो ये देखिए मेरा पोहा रेडी है और अभी मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। अभी सुबह के 10:30 बज रहा है। जब मैं राजस्थान में गई थी किसी ने मुझे बोला था कि मेरा वेट बढ़ने लगा है। एक्चुअली मैं आप बिलीव नहीं करोगे मेरा वेट वहाँ जाके कम हो गया क्योंकि मैंने वहाँ कुछ खाया पिया भी नहीं और फिज़िकल बहुत ज़्यादा वो भी हुआ है मेरा चलना फिरना काम धाम, तो इसकी वजह से मेरा वहाँ वेट गिर गया था। अब मैं आपको वेट अपडेट दूँगी। वो जिस दिन मैं आई थी ना, मैं आ गई थी 6 तारीख की शाम को, मैं 7 तारीख की मॉर्निंग का आपको अपडेट दूंगी कि मेरा कितना वेट था। और ये देखिए मेरा राशन पानी जो आया हुआ है और मैंने मंगाए हैं कुछ चिया सीड्स और ये कुछ सीड्स हैं जो मैं मॉर्निंग में लेती हूँ मिड ब्रेकफास्ट में, तो वो मंगाए हैं। ये देखिए फ्लैक्स सीड है जो कि ख़त्म हो गया है बट मैंने पैकेट मंगाए हैं, वो मैं इसमें डाल दूँगी। पैनकेक का ये सब दालें वाले सब अभी मुझे भरनी है। तो बस चलिए शुरू करते हैं हम अपना काम धाम और मैं बता दूँ इसके बारे में। सो ये कुछ सीड्स हैं, सो मैं एक चम्मच मिड ब्रेकफास्ट में ज़रूर लेती हूँ लाइक 11 बजे के टाइम, या मॉर्निंग में भी ले सकते हो आप चाय वगैरह के साथ, कभी भी ले सकते हो थ्रू आउट द डे। एक चम्मच तो लेनी है, 1.5 से 1 चम्मच, जैसे कि पम्पकिन सीड हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया एंड चिया सीड हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया और एक और था कोई, मैं नाम नहीं याद आ रहा है, इधर ही रखा है इसने। पम्पकिन हो गया, सनफ्लावर हो गया एंड एक और है वाटरमेलन, हाँ वाटरमेलन हो गया। इन तीनों को मैंने मिक्स कर लिया है, एक जार में रख लिया है ताकि मैं एक चम्मच ले सकूँ। अदरवाइज़ क्या होता है ना, तीनों डब्बियाँ खोलने में बोरियत होती है, एक में मिक्स कर लो तो ऐसे भी ले सकते हो कभी भी चम्मच से। अब पूरा मैं मिक्स इसलिए नहीं कर रही, मैंने 3-3 चम्मच का वो बनाया है रेशियो, मतलब पूरे हफ्ते भर का। तो ये देखिए फ्लैक्स सीड है जो ख़त्म हो गया, फ्लैक्स सीड नहीं मिलाया इसमें, सिर्फ चिया सीड्स, सॉरी इसमें पम्पकिन सीड, वाटरमेलन सीड एंड सनफ्लावर सीड्स है बस। चिया एंड फ्लैक्स सीड अलग ही रखते हैं बिकॉज उसको हम भिगो के ही लेते हैं, ऐसे नहीं लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से, तो मैंने जार में इसलिए रख दिया क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, इतना 3 बॉटल्स हैं लेने देने में, गिर जाए तो पूरा फैल जाए, कम से कम जार कभी हाथ से छूटे तो थोड़ी ही बर्बादी हो, मैं हमेशा ये सोच। सो जब मैं राजस्थान से आई थी उसमें तो मेरा वेट गिर गया था, मैं सोची थी मेरा बढ़ जाएगा 1-2 किलो, ऑब्वियस 6-7 दिन के लिए गई थी तो, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये देखिए मेरे कान्हा जी जो नहा रहे हैं और उनको थोड़ा सा मैंने टब में खेलने के लिए छोड़ दिया था, और चलिए इनको रेडी कर देते हैं। उसके साथ ही साथ मैं अपना वेट वाला क्लिप भी डालूंगी कि कितना था, बट रिसेंटली मैं बता दूँ जो मेरा एक्चुअल मेरा वेट है अभी कल तक का, वो मेरा 54 to 55 के बीच में ही रहता है। ये मेरा आइडियल वेट है जो मैं चाहती हूँ हमेशा मेंटेन रहे, 54 point something रहता है, मतलब कभी 20 कभी 30 कभी 40 कभी 50। सो कान्हा जी को भी मैंने रेडी कर दिया है, आज पिंक कलर का ड्रेस बनाया है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और चलिए इनको अभी हम करा देते हैं लंच। सो आज का आपको ब्लॉग कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करना एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। और ये देखिए है हमारे कान्हा जी का भोग जो मैं अभी उनको लगाऊंगी, खाते हुए नहीं दिखाते हैं कभी भी कान्हा जी को। तो ये देखिए अभी मैं वेट भी दिखाने वाली हूँ अपना, तो यू कैन सी। सो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने लिया था 53.95, आप देख सकते हैं। सो ये लंच में बन रही है सब्ज़ी, ये लौकी की सब्ज़ी है, और क्योंकि इसमें प्याज लहसुन पड़ा था तो कान्हा जी को फिर मैंने ये नहीं लगाया सब्ज़ी, रात में ज़रूर मैं लगाती हूँ क्योंकि रात में मैं बिना प्याज लहसुन का खाना बनाती हूँ और लंच में प्याज लहसुन वाला, तो एक टाइम तो भूख लगाना ही चाहिए कान्हा जी को। तो चलिए आज का ब्लॉग कैसा लगा कॉमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर दे चैनल को एंड प्रेस दी बेल आइकन। सो मिलती हूँ कल आपसे फिर से, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड बी पॉजिटिव। मिलती हूँ कल आपसे, तब तक के लिए टेक।